नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से, तो हमें पता है कि जो भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है, ठीक है। और हम इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे अंडरस्टैंड, मतलब समझने की कोशिश करते हैं, कई लेवल पे हम समझ सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल है, टिश्यू है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम एंड बायोम्स, इन सब तरीके से, अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी है या क्या हमारी इकोलॉजी है। वो यही कह रहा है नेक्स्ट पूरे पैराग्राफ में कि जो, अगर मैं दो क्वेश्चन पूछूं कि बर्ड कैसे गाती है और बर्ड क्यों गाती है, तो जो हाउ टाइप है, कैसे वाले क्वेश्चन डील करते हैं मैकेनिज़म से, कि इस प्रोसेस के पीछे मैकेनिज़म क्या है, बल्कि जो वाई है उस टाइप के क्वेश्चन डील करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोसेस की। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बैंक। अब वो नीचे उसने एक्सप्लेन किया है कि पहले वाले का जो आंसर होगा वो वॉइस बॉक्स से रिलेटेड होगा, और दूसरे वाले का होगा कि बर्ड को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अगर आप जो भी नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हो और आप उसमें साइंटिफिक मीन जोड़ोगे, मतलब अगर आप उसको साइंटिफिक मीन को अपने माइंड में रख के करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को, समझने को मिलेंगी। नाउ आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो डील करता है या स्टडी करता है किस चीज़ को, जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंट्रैक्शन है वो, और जो बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इंट्रैक्शन है और ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, ठीक है। इकोलॉजी बेसिकली चार लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज़ पॉपुलेशन, थर्ड इज़ कम्युनिटी एंड फोर्थ इज़ बायोम। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग अलग अलग जो लेवल हैं उनसे डील करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट, जो इकोलॉजी है वो क्या है कि हमारी जो इकोलॉजी है उसमें क्या है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं कि इकोलॉजी किस तरह की है, मतलब कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए। सी अडेप्टेशन इज़ बेसिकली जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप चेंज होते हो, लेकिन ये क्या डील करता है कि कैसे आपका रिप्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मतलब कि एक सेकेंड, तो इसमें ये लिखा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सिर्फ अडप्ट नहीं करते हैं इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए, बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए भी वो अपने आप को अडप्ट कराते हैं, ठीक है। अब ये है कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैसे हमारे प्लैनेट के आसपास रोटेशन होती है, और मतलब अब हमारा जो प्लैनेट है वो हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। मतलब कि जितने भी हमारे इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब उनका ये मेन गोल नहीं है कि सिर्फ सर्वाइव करना है, उनको रिप्रोड्यूस भी करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी हमारे प्लैनेट के मूवमेंट, मतलब सन के मूवमेंट और इन सब चीज़ों की वजह से चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर और सीजन्स आते हैं, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है एनुअल प्रेसिपिटेशन में, मतलब आपके चेंजेस हैं या वेरिएशन है, उसकी वजह से क्या है, कई तरह के मेजर बायोम्स फॉर्म हुए हैं। बायोम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाए गए हैं कुछ मेजर बायोम्स, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। डेजर्ट जहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी होती है, टुंड्रा जहाँ ठंडा है, और रेन फॉरेस्ट इज जो आपका जहाँ पे बारिश होती है एंड विच इज़ नियर टू द इक्वेटर। तो ये सारे अलग अलग तरह के बायोम्स हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग तरीके हैं और वो अलग तरीके से अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट कंडीशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, मतलब जो भी वेरिएशन होती है रीजनल लेवल पे या लोकल वेरिएशन पे, उसकी वजह से क्या होगा, नई तरह की हैबिटेट्स फॉर्म होती हैं। जो मेजर बायोम्स हैं इंडिया के वो दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट करती है कुछ फेवरेबल हैबिट में, बट इवन यहाँ पे अर्थ पे जो लाइफ है वो सिर्फ ये नहीं कि अच्छे हैबिटेट में ही एग्जिस्ट करिए या सर्वाइव करिए, बट एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव करिए। जैसे कि राजस्थान की एकदम कड़क गर्मी है, या मेघालय में एकदम बारिश में भीगे हुए जो आपके
आप क्या कहते हैं फॉरेस्ट है, या फिर ओशियन ट्रेंचेस हो गए, या स्ट्रीम्स हो गए, परमा फ्रॉस्ट पोलर रीजन मतलब जो बहुत ठंडा है, एंड माउंटेन टॉप्स, हाई बॉयलिंग थर्मल स्प्रिंग्स मतलब जिन स्प्रिंग में से पानी निकलता है गर्म वाले, एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स जो हैं, कुछ ये जितने भी अलग अलग तरह के हैबिटेट्स हैं या इन्वायरमेंट है छोटा छोटा, इसमें हर तरह के उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेवरेबल में एग्जिस्ट करेगी। हमारी इंटेस्टाइन भी एक यूनिक हैबिटेट है कई हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ये जो बायोम होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि इसका जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा अलग होगा दूसरे बायोम से, ठीक है। उसका कुछ पर्टिकुलर वेजिटेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर फौना होता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एरिया, ठीक है। तो दिस इज़ बायोम, और बहुत सारे तरह के बायोम प्रेजेंट है, मेजर यहाँ पे शो हुए हैं। और नेक्स्ट है कि ऐसे कौन से की एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आती है फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन में, किसके इन डिफरेंट हैबिटेट की। जो इम्पॉर्टेंट हैं दैट इज़ टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, इन सब की वजह से वेरिएशन आती है, ठीक है। और इसमें यही लिखा है कि हम सबको याद रखना चाहिए कि ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है सिर्फ यही आपके ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरह से कैरेक्टराइज नहीं करते हैं, बल्कि द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट आल्सो। कि सिर्फ ये जो एयर, वाटर और ये सॉइल, टेम्परेचर चीज़ें हैं, यही सिर्फ एबायोटिक चीज़ें ही अफेक्ट नहीं कर रही हैं या इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, बल्कि जो आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि पैथोजन हो गए, पैरासाइट हो गए, प्रेडेटर्स हो गए, कंपिटिटर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये भी अफेक्ट डालते हैं अलग अलग तरीके से हमारे इकोसिस्टम पे या हैबिटेट पे। We assume that over a period of time, the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. हम ये अज्यूम करते हैं कि काफ़ी टाइम में क्या हुआ है कि आपका जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे नेचुरली सेलेक्ट हुए हैं और इवॉल्व हुए हैं। नेचुरल सेलेक्शन और इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में इवोल्यूशन में बताया गया है, बट ये मेन चीज़ें बताइए कि कैसे ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है। ऊपर जो फोटोज़ हैं उनमें चार तरह के दिखाए हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच इज़ नियर टू द इक्वेटर, डिसीडियस फॉरेस्ट होता है, एक होता है डेजर्ट और एक होता है सीकोस। ये चारों अलग अलग तरह के बायोम हैं और वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी अलग है। अब हम आते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स पे, ठीक है। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका टेम्परेचर है वो सीजनली वेरी करता है, और अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरह मूव करते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरह मूव करते हैं तो वो डिक्रीज करता है। सी, अर्थ के बीचों बीच जा रही है इक्वेटर, और ये जो साइड वाले पोर्शन हैं वो होते हैं पोल्स। तो टेम्परेचर इधर की साइड सबसे ज़्यादा होता है, और जब हम इधर से इधर जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है, कम होता है। यही लिखा है कि जैसे पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़ीरो होगा या माइनस में होता है, और जो हाई एल्टीट्यूड्स एरिया हैं या जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। देयर आर कई यूनिक हैबिटेट्स जैसे कि थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग से जो नीचे हैं अंडरग्राउंड है, काफ़ी गर्म है पानी के जो स्प्रिंग्स होते हैं, या फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। और ये भी हमें नोट करना चाहिए कि जो हमारे मैंगो ट्रीज़ हैं वो टेम्परेट कंट्री जैसे कि कैनेडा जर्मनी में नहीं मिलते, ठीक है। स्नो लैपर्ड्स हैं वो केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे। ट्यूना फिश आपको कहाँ नहीं मिलेगी, ट्रॉपिकल एरियाज़ के पास नहीं मिलेगी। यू कैन रेडिली एक्सेप्ट और सॉरी अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ये समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कितना ज़रूरी है हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए, जब आप देखोगे कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट्स बेसल मेटाबॉलिज्म, कि कैसे टेम्परेचर दोनों चीज़ों को अफेक्ट करता है नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है। मतलब उसकी वजह से उनकी डेली एक्टिविटीज़ पे, मेटाबॉलिज्म पे, सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज़म्स हैं जो काफ़ी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं यूरीथर्मल, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही डील कर सकते हैं, और सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल, ठीक है। जो ज़्यादा टेम्परेचर को, बहुत वाइड रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके उनको बोलेंगे यूरीथर्मल, और जो कम रेंज को कर सके दैट इज़ कॉल्ड स्टीनोथर्मल्स। जो लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस है डिफरेंट स्पीसीज का डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो ये भी डिटरमाइन करता है जो उनका थर्मल टॉलरेंस है कि वो किस एरिया में एग्जिस्ट करेंगे या कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
In recent years, there has been growing concern about the gradually increasing average global temperature. ठीक है कि अब जो global temperature में increase हुआ है वो काफ़ी concern का issue है. ये सब हम detail में environmental issues chapter में पढ़ चुके हैं, वो video भी नीचे under linked है. Now coming towards water, temperature की next अगर water है वो सबसे important factor है जो influence करता है life of organisms. ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर. ऐसा कहते हैं कि जो लाइफ है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई थी और विदाउट वाटर अनसस्टेनेबल है, मतलब लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती. ठीक है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो इतनी कम है डेजर्ट में कि कुछ एडेप्टेशंस होती हैं वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए. मतलब वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस या कुछ किसी तरह से वो एडेप्टेड है बाय सम मीन्स. जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ कि जो वहाँ पे प्लांट्स हैं वो इस तरह से हैं कि उनका स्टोमेटा थोड़ा संकन होता है, ऊपर की साइड नहीं होता ताकि वाटर लॉस ना हो. और वैसे ही वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत कम यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करते हैं. ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट होता है वो भी वाटर पर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, उसके बाद है आपका, यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिज़म्स रह रहे हैं ओशियन वगैरह में, ये इन्हें क्या कहते हैं, शुड नॉट फेस, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट ऐसा नहीं है. फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम इम्पॉर्टेंट. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे हम सोचते हैं कि वो तो पानी में ही रह रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर नहीं, उनको भी इश्यूज होते हैं. उनको केमिकल कंपोजिशन और पीएच से काफ़ी इशू हो सकता है अगर वो कम ज़्यादा हो तो. द सॉल्ट कंसंट्रेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन ऑर्गेनिज़म्स के लिए. ठीक है, वो लेस होता है इनलैंड वाटर में, मतलब आपके जो फ्रेश वाटर वगैरह के होते हैं. 30-35% होता है सी में और 100% होता है हाइपर, मतलब ज़्यादा होता है 100% से कुछ हाइपर सेलाइंट लगून से. कुछ ऑर्गेनिज़म्स टॉलरेंट होते हैं वाइड रेंज ऑफ सेलेनाइट्स. जब कोई ऑर्गेनिज़म काफ़ी ज़्यादा सेलाइन या फिर सॉल्ट वाटर को कर लेता है, उससे डील कर लेता है, दीज आर कॉल्ड यूरीहेलाइन. बट कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं नैरो रेंज से, तो इनको हम बोलते हैं स्टीनोहेलाइन. नाम से पता चल रहा है हेलाइन इज़ फॉर सॉल्ट एंड जो आपका यूरी है दैट इज़ फॉर, सॉरी, यूरी इज़ फॉर जैसे जब जो ज़्यादा डील कर सकें और स्टीनो इज़ फॉर जो कम से डील कर सके. और हेलाइन यहाँ पे सॉल्ट की बात हो रही है, जिससे थर्मल में टेम्परेचर से डील हो रहा था, थर्मल वाला वर्ड. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिक फॉर लिंग, हाँ सॉरी, कुछ ऐसे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, मतलब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, रिवर में रहते हैं या लेक में रहते हैं, जो बाद में सी वाटर में नहीं रह सकते. ठीक है, एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना एक प्रायोरिटी होती है उनके लिए. ठीक है, लेकिन अगर उनका मीडियम आप चेंज कर देंगे, जो सॉल्ट का मीडियम है या वाटर का कंपोजिशन है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है उनके लिए मेंटेन रखना. कमिंग टूवर्ड्स लाइट, अब इसमें लिखा है कि कुछ प्लांट होते हैं जो, सॉरी, सारे ही प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली जो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी सनलाइट अवेलेबल होगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स. हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफ्स के लिए लाइट का होना, क्योंकि वो अपना फूड उससे ही बनाते हैं. ठीक है, कुछ स्पीसीज हैं स्मॉल प्लांट्स की, जैसे कि हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन. मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर चुके हैं कि बहुत कम लो लाइट कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्री है या एक प्लांट है जो किसी बड़े ट्री के नीचे आ रहा है, तो उसको ऐसे अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए कि कम लाइट में भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सके. ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जो डिपेंडेंट हैं सनलाइट पे टू मीट देयर फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग. कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट दे यूज़ अ डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉरएगिंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लाइट पर डिपेंडेंट है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि अपनी फूड ढूंढने की एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, माइग्रेटरी एक्टिविटी, वो इन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है. ठीक है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज़ द सोर्स फॉर बोथ. अब उसने यही बोला है कि जो अवेलेबिलिटी है लाइट की लैंड पे वो टेम्परेचर से भी लिंक्ड है, क्योंकि सन क्या है, टेम्परेचर और लाइट दोनों का सोर्स है. तो लाइट और टेम्परेचर आपस में कई हद तक
मतलब रिलेटेड है, क्योंकि सन दोनों का सोर्स है, ठीक है। जो डीप, अगर हम ओशन में जाएं, इन्वायरमेंट क्या होता है, परपेचुअली डार्क होता है एंड इट्स इनहेबिटेंट आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल सन। अगर हम मतलब सी में बहुत नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिन्हें एक्चुअली सनलाइट बिल्कुल नहीं मिलती, सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे एक सन भी है। तो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिजम्स। अब वो नेक्स्ट पे आ रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और जो यूवी कंपोनेंट है स्पेक्ट्रम के वो हार्मफुल है मैनी ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। कुछ वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट। अब उसने क्या बोला कि कुछ उनके लिए नुकसानदायक भी है, मतलब कुछ यूवी कंपोनेंट जो लाइट के होते हैं दैट आर वेरी हार्मफुल और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सॉरी एक लाइन ही हुई, नॉट ऑल द लिविंग कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ। मतलब कि जो लाइट है, विजिबल लाइट है, वो हर किसी को जो नीचे रह रहे हैं या ऊपर रह रहे हैं उसको नहीं मिलती, क्योंकि जैसे जैसे आप उसमें आओगे ओशन में आप देखोगे नीचे जाते जाते फ़र्क पड़ रहा है और हर तरह की लाइट नीचे नहीं पहुँच रही है। जो सॉइल है, अगर हम सॉइल की बात करें तो जो नेचर और प्रॉपर्टी है सॉइल का वो हर जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है, और ये भी क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होता है, वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट पे सॉइल से फ़र्क पड़ता है और वेदरिंग की किस तरह से वो चेंज हुई है सॉइल फॉर्म में, ठीक है। वेदर सॉइल इज़ ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉइल डेवलप अकर्ड, ये भी चीज़ है कि सॉइल या तो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आई है या धीरे धीरे वो बनी है खुद ही, और कैसे सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, कई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल की, जैसे कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है, ग्रेन साइज क्या है और उनकी एग्रीगेशन क्या है, मतलब वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट हैं। इन सब से पता चलता है कि सॉइल कैसी है और ये डिटरमाइन करती हैं क्या परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की, कितना पानी वो नीचे जाने दे रही है और कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर सॉइल की है। ये सब चीज़ें हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक से पता चलती हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं अलॉन्ग विद पैरामीटर्स, ठीक है, ये ऊपर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ साथ जो पैरामीटर हैं जैसे कि pH, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। अगर मैं इन पैरामीटर्स को लूँ और इन कैरेक्टरिस्टिक को साथ में लूँ तो मुझे पता चलेगा कि कितना आपका वेजिटेशन है या कितना वेजिटेशन फैला हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में, और वही डिटरमाइन करेगा कि किस तरह का वेजिटेशन होगा, ठीक है, और इससे भी ये फ़र्क पड़ेगा कि किस तरह के एनिमल वहाँ पे होंगे। सिमिलरली इन द एक्वेटिक द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिंग एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट की तो जो जो सेडिमेंट है वहाँ पे या जो भी सेडिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे पता चलेगा कि किस तरह के बेंथिक एनिमल वहाँ पे हैं। बेंथिक एनिमल से मतलब है जो नीचे एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, बेंथिक जोन में जो रह रहे हैं। तो अगर हमें पता हो कि वहाँ का सेडिमेंट कैसा है या उस एक्वेटिक प्रॉपर इन्वायरमेंट में सेडिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह के बेंथिक एनिमल हैं जो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं या रह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। यही लिखा है कि जो एबायोटिक कंडीशन है कई हैबिटेट्स की वो टाइम के साथ वेरी करती हैं या चेंज होती हैं, ठीक है। बट हमें इससे पहले कि कुछ समझे हमें ये समझना होगा, वी शुड परहैप आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। कि जैसे जैसे बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या फिर जो वेरिएबिलिटी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बॉदर करती है या उस पर अफेक्ट डालती है। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, इस मिलियन ऑफ ईयर्स में उन्होंने उनकी बॉडी ने इवॉल्व किया है और एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बनाया है जो परमिट करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मतलब कि उन जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में ये बना हुआ है उनका इंटरनल मतलब मीडियम टेम्परेचर कि वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो मतलब उस बॉडी टेम्परेचर में या उस इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये सब होंगे और क्या होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ होंगे, मतलब काफ़ी अच्छे से होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये लिखा है दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि
देखा जाए तो ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और बॉडी फ्लूइड जैसी चीज़ें हैं जो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो ट्राई करेगा इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन चीज़ों को कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब इन चीज़ों को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कांस्टेंट रखने के लिए। उस प्रोसेस को कहते हैं होमोस्टेसिस। देखो, द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। तो जब आपके इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट की कॉन्स्टेंसी बनी रहती है, तब इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस, डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट होम्योस्टेसिस। मतलब कि बाहरी फैक्टर चाहे कितना ही चेंज करने की कोशिश करें, कितना ही अफेक्ट डालें, ये कोशिश रहती है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, वो मेंटेन रहे, और उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। नाउ अगर आप एक एग्जांपल समझो इससे, तो अगर हम मान के चलें कि एक पर्सन है जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, वो अपनी बॉडी में या फिर वो अपनी परफॉर्मेंस सबसे अच्छे से तब देता है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, और वो मेंटेन करके रखना चाहता है उसको, ठीक है। इवन वैन इट इज़ स्कॉचलिंगली हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड, भले ही अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर बहुत गर्मी हो या बाहर बहुत ठंडी हो, उसका ये रहता है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 25 बना के रखेगा या अराउंड दैट बना के रखेगा। तो कैसे होता है, इट कुड बी अचीव्ड एट होम। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार में जा रहे हो, बहुत गर्मी है, या आप घर में हो, बहुत गर्मी है, तो आप क्या चलाते हो, AC, कूलर। क्यों? ताकि जो बाहर की हीट है जो आपको इतना अफेक्ट कर रही है, वो ना करे, और आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो वही तरह लिखा है कि ये एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर। विंटर्स में आप कपड़े पहनते हो, आप हीट के पास रहते हो, कोशिश करते हो गर्मी रहे। क्यों? क्योंकि आपको अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद है, देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम। तो बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे गर्म है चाहे ठंडा है, लेकिन जो बॉडी है वो अपना मेंटेन कर रही है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करिए। यहाँ पे भले ही वो आर्टिफिशियल मीन से हुआ है, बट नेचुरल मीन्स भी होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लिखा है कि कई और पॉसिबिलिटीज की तरफ आपको देखना है। नाउ रेगुलेट, कुछ है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, मतलब अपनी बॉडी के थ्रू और अपने बिहेवियर के थ्रू भी। इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह से इंश्योर करेंगे कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहे। अब अगर हम बात करें बर्ड्स एंड मैमल्स की, तो एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेटा, ये सब क्या है, ये कैपेबल हैं सच रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए। मतलब बर्ड, एनिमल या कुछ ऐसे वर्टिब्रेटा हैं जो अपना थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन से मतलब है हीट रिलेटेड, एंड ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह से रिलेटेड। तो जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने स्टडी किया है इवोल्यूशन के ऊपर, उन्होंने बोला है कि अगर मैमल सक्सेसफुल रहे हैं, मतलब वो सर्वाइव कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, तो वो किस लिए रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और इन सहारा डेजर्ट। मतलब वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पा रहे हैं और थ्राइव कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, चाहे वो एंटार्क्टिका में रह रहे हों जहाँ बहुत ठंड है, चाहे वो सहारा डेजर्ट में रह रहे हों चाहे बहुत गर्मी है, ठीक है। जो मैकेनिज्म यूज होता है बाय मोस्ट मैमल्स ताकि वो रेगुलेट कर सके अपना बॉडी टेम्परेचर, वो सिमिलर है टू द वंस दैट वी ह्यूमन यूज, वो सेम है जैसे हम ह्यूमंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर ही बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समर में देखूँ, बाहर बहुत टेम्परेचर है, बहुत हीट है, तो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, हम बहुत स्वेट करते हैं। जब हम स्वेट करते हैं तो हमारी बॉडी में इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होनी शुरू हो जाती है, और सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद अ डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन। और वही चीज़ है कि जब आप एक कूलर चलाते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर लोअर हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन वी स्टार्ट टू शिवर और हमें ठंड लगने लगती है, अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अब शिवरिंग क्यों होती है, ये हमारी बॉडी का अपना खुद का तरीका है, ये शिवरिंग इसलिए हो रही है ताकि हीट प्रोड्यूस हो और रेज हो बॉडी टेम्परेचर। तो ये दोनों मीन से हमने क्या करा, रेगुलेट किया अपने बॉडी के टेम्परेचर को।
प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर. प्लांट्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता कि वो मेंटेन कर पाए, बट रेगुलेटर्स में जो रेगुलेटर्स में हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं बाय सम मीन्स. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द कन्फर्मर्स, एन ओवरवॉल्मिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट, ये सब क्या करते हैं, दे कैन नॉट मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट. मतलब वो अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है कॉन्स्टेंट, वो मेंटेन नहीं कर सकते. उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता है आसपास के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. एक्वेटिक एनिमल्स में क्या है, जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स का वो चेंज होता है विद दैट ऑफ एम्बियन वाटर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन. मतलब जो भी उनकी बॉडी का ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है वो जो बाहर का ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है उसके साथ चेंज होता है. दीज एनिमल एंड प्लांट आर सिंपली कन्फर्मर्स. वेन यू कॉन्ट रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द सराउंडिंग और यू कैन नॉट मेंटेन योर ओन बॉडी टेम्परेचर, होम्योस्टेसिस नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स. ठीक है, दीज एनिमल्स और ये शब्द हो गया कि कन्फर्मर्स बोलते हैं. कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, वी मस्ट आस्क वाई दिस कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स. अगर हम देखें कि ज़्यादा फायदा रेगुलेशन में है, रेगुलेटर्स को है, तो हम ये समझने की कोशिश करें कि ये टाइम के साथ क्यों नहीं इवॉल्व हो पाए या क्यों नहीं इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया रेगुलेटर में. Recall that human analogy we used above, much as they like, how many people can really afford an air conditioner? Many simply set it out and design themselves to suboptimal performance in hot summer month. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जो कन्फर्मर्स हैं, ये इवोल्यूशन इतने सालों में हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को रेगुलेटर्स में कन्वर्ट नहीं किया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप अगर इमेजिन करो कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली अफोर्ड कर पा रहे हैं एसी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, ये तो एक्सटर्नल हो गया कि आपका जो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर है वो लोग कितने लोग हैं जो एक्चुअली मेंटेन कर पा रहे हैं थ्रू एसी, और नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते, जो लोग गर्मी में रहते हैं अपने आप को स्वेटिंग कर करके ठंडा रखते हैं. तो वही चीज़ है कि अगर मैं बात करती हूँ थर्मो रेगुलेशन की, तो एनर्जी बहुत लगती है, इट इज़ एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रीज एंड हमिंग बर्ड. ये सही चीज़ है या फिर ये ट्रू है, ये थर्मो रेगुलेशन वाला पॉइंट किसके लिए, छोटे एनिमल्स के लिए या फिर हमिंग बर्ड्स, काफ़ी छोटी बर्ड्स होती हैं ये. हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सर्फेस एरिया. अगर मैं बात करती हूँ हीट लॉस की, अगर मैं बात करती हूँ हीट गेन की, ये सर्फेस एरिया का फंक्शन है. ठीक है, सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सर्फेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका जो सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सर्फेस एरिया, छोटे एनिमल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो छोटे एनिमल्स हैं उनका सर्फेस एरिया लार्ज है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. मतलब उनकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो अपनी बॉडी हीट बहुत जल्दी लूज़ करते हैं व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. ठीक है, उनका बॉडी का सरफेस एरिया, दोबारा बोल रही हूँ पॉइंट, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, इसीलिए जब भी बाहर ठंडा होता है वो अपनी बॉडी से हीट बहुत जल्दी लूज़ करते हैं. देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म. उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है बॉडी हीट को डेवलप करने के लिए या दोबारा बॉडी हीट फॉर्म करने के लिए. यही मेन रीज़न है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो पोलार रीजन में नहीं मिलते हैं, तो पोलार रीजन में मोस्टली बड़े एनिमल मिलते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, some species have evolved the ability to regulate but only few over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. अब उसने बोला कि अगर हम evolution की बात करें तो कुछ species ने, ठीक है, अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वो regulate कर लेंगी, लेकिन अब ये भी चीज़ लिखी है कि only over a limited range of environment condition, कि कुछ हद तक वो अपने आप को as a regulator बना सकती हैं, but उसके बाद, उस limit के बाद they are simply conformer. ठीक है, इफ़ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, द ऑर्गेनिज्म हैड टू अदर ऑल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, अब जो आपका मौसम है या वेदर है या एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है वो थोड़े टाइम के लिए ही है, तो दो और तरीके हैं जिससे अपने आप को मेनटेन करके रखते हैं लोग, दैट इज़ माइग्रेशन एंड सस्पेंड. अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे.
माइग्रेट, जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट. फॉर एग्जांपल, अगर एक स्ट्रेसफुल हैबिटेट है, वहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है या वेदर कंडीशन या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफ़ी अगेंस्ट जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे एरिया में मूव कर लेगा जब तक कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल एरिया में आ जाएगा. अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ये स्ट्रैटेजी इज़ लाइक अ पर्सन मूव कर जाता है दिल्ली टू शिमला में ड्यूरेशन ऑफ समर. लाइक मोस्टली आप विंटर वेकेशन सॉरी समर वेकेशंस में प्रेफर करते हो हिल स्टेशंस पे जाना. क्यों? क्योंकि ठंडा होगा. ठीक है, मैनी एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज. कई ऐसी बर्ड्स हैं जो विंटर्स में मूव कर जाती हैं बेटर एरिया में, जहाँ पे वो बेटर सर्वाइव कर सकती हैं और उनके लिए बेटर है, एंड वापस कुछ टाइम वो अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुँच जाती हैं. तो ये लिखा हुआ है क्वेलाडो नेशनल पार्क दैट इज़ इन भरतपुर इन राजस्थान. उसमें कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं जो साइबेरिया से आती हैं, एक्सट्रीमली नॉर्थन रीजन से वो वहाँ पे आती हैं, कुछ टाइम रुकती हैं और उसके बाद वो वापस चली जाती हैं. ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ सस्पेंड बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन. अब जितनी भी ये फंजाई हैं बैक्टीरिया है लोअर प्लांट्स हैं, ये अपने आसपास थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाते हैं ताकि ये जो स्पोर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, ये जर्मिनेट करते हैं जब सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड होता है और हायर प्लांट सीड एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व्स एज मीन टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्जल. अब उन्होंने क्या बोला, हायर प्लांट्स के अंदर सीड्स और कई ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो उन्हें स्ट्रेसफुल पीरियड से बचाते हैं. ठीक है, और डिस्पर्जल मतलब उनको डिस्पर्स कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए वो चले जाते हैं ज़मीन में और दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन और मॉइस्चर कंडीशन. देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी उनके लिए वेदर अच्छा नहीं है या जो भी चीज़ है, तो सीड्स क्या होते हैं, सीड्स चले गए नीचे की साइड या फिर डिस्पर्स हो गए. फिर जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी या ऐसी होंगी कि वो उग सकें, तो तब वो अपने टेम्परेचर और क्या कहते हैं जो भी टेम्परेचर और मॉइस्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं. दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इन टू अ स्टेट ऑफ डोमेंसी. सीड्स में मोस्टली ये टर्म यूज़ होती है डोमेंसी. होता क्या है कि वो एक स्टेट ऑफ डोमेंसी में चली जाती हैं जिसमें वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती हैं. इसमें है कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो अनेबल है माइग्रेट के लिए, मतलब अगर वो माइग्रेशन नहीं कर सकता, तो माइट अवॉइड द स्ट्रेस. मतलब जो भी उसके ऊपर स्ट्रेस है, जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, वो कैसे अवॉइड कर सकता है, बाय एस्केपिंग इन टाइम. मतलब वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं रहता, इधर या उधर मूव कर लेता है. मूव इन द सेंस नॉट फिजिकली, बट वो स्लीप पे चला जाता है जिसको बोलते हैं समर स्लीप या विंटर स्लीप. ठीक है, द फेमिलियर केस ऑफ बियर्स गोइंग इन टू हाइबरनेशन. अब होता क्या है, जो बियर्स हैं अगर ठंडा है तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर्स में. वो भी एक एग्जाम्पल है एस्केप इन टाइम का. ठीक है, सम स्नेल्स एंड फिश गो इन टू एस्टिवेशन. अगर हम बात करते हैं बियर की तो इट इज़ हाइबरनेशन. इफ़ यू टॉक अबाउट फिश देन इट इज़ एस्टिवेशन. टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हीट एंड डेसिकेशन. तो वो समर में अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग चीज़ों में चली जाती हैं, जैसे कि डेसिकेशन इज थोड़ा ड्राइंग अप ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट या थोड़ा ड्राई अप होना. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कई जो जू प्लैंकटॉन्स होते हैं लेक्स या पॉन्ड्स में, वो एंटर कर जाते हैं डायापॉज में, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. मतलब वो उस टाइम ग्रोथ नहीं करते हैं, उस टाइम उनकी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, उनकी जो भी चीज़ होती है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, डेवलपमेंट जो होती है कुछ टाइम के लिए रुक जाती है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अडेप्टेशंस. नाउ अडेप्टेशन, कई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए ताकि वो जो भी उनके आसपास एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है या एक्सट्रीम कंडीशन है उससे कोप अप कर सकें, उसमें सर्वाइव कर सकें. हमने देखा है कि कुछ तो रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, मतलब वो अपनी बॉडी के एडजस्टमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, बट कुछ क्या करते हैं बिहेवियरली, मतलब कि वो माइग्रेट कर लेते हैं टेम्परली थोड़े टाइम के लिए कहाँ पे स्ट्रेसफुल हैबिटेट में. दो तरीके हैं, एक है कि आप अपनी बॉडी को
चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. दूसरा है कि आप अपने आप को बिहेवियरली, मतलब कि आप उस जगह से मूव कर जाओगे या दूसरी जगह पहुंच जाओगे. ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये एक्चुअली एडप्टेशन है. तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ एडप्टेशन, एडप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिजम्स का जो एनेबल करता है, मतलब जो पॉसिबल बनाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सके एंड रिप्रोड्यूस कर सके अपने हैबिटेट में बेटर. मतलब कि अगर आपका इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तब भी आप सर्वाइव करो, रिप्रोड्यूस करो बेटर, उसे बोलते हैं एडप्टेशन. ठीक है, मैनी एडप्टेशन हैज़ इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड. कई ऐसे एडप्टेशंस हैं जो इवॉल्व हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम में और जेनेटिकली क्या है, फिक्स्ड है. अब देखो, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि बाहरी वाटर प्रेजेंट नहीं है, सोर्स प्रेजेंट नहीं है वाटर का कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में, तो जो कंगारू रैट होता है ना, ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी की जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको मतलब पॉसिबल बनाता है बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. जब उसकी बॉडी में इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है ना, तो जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो वाटर निकलता है. ठीक है, इस तरह से वो अपनी बॉडी में क्या करता है, बचाता है या फिर पानी को यूटिलाइज करता है. बाहरी सोर्स नहीं है तो बॉडी के अंदर ही वाटर मिल रहा है. दूसरा क्या है कि वो कंसंट्रेट करता है अपनी यूरिन को ताकि मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ यूज टू रिमूव एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. वो अपनी यूरिन को भी कंसंट्रेट कर रहा है ताकि मतलब कम से कम पानी निकले और वेस्ट में ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो. ठीक है, कई डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके थिक क्यूटिकल्स होते हैं उनके लीव सरफेस पे. अब ये जो थिक क्यूटिकल्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, इजीली वाटर लॉस नहीं होता. दूसरा है कि जो उनका स्टोमेटा है, हमें पता है कि स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा फर्क एज अ कि आपके पोर्स खुलते हैं और ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ. ठीक है, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, स्टोमेटा की वजह से. अब क्या बता रहा है कि जो लीव सर्फेसिस है ना उसमें से ये हो तो जाता है, लेकिन कौन करता है, ये आपका स्टोमेटा इतना डीप पिट्स में अरेंज है, इतना अंदर अरेंज है कि ईजिली वाटर लॉस नहीं होता और ये मिनिमाइज कर देता है वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. दूसरा है, दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे. उनका एक और फोटोसिंथेटिक पाथवे है जिसे बोलते हैं कैम. ठीक है, CAM, जो एनेबल करता है स्टोमेटा को टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे. जो ये CAM पाथवे है उसकी वजह से स्टोमेटा दिन में क्लोज रहता है और अगर वो क्लोज रहेगा तो वाटर लॉस नहीं होगा. तो ये भी एक एडेप्टेशन है प्लांट्स की. ठीक है, कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे कि ओपंचिया हैव नो लीव्स. उनकी तो लीव्स ही नहीं होती, वो रिड्यूस्ड हो चुकी हैं स्पाइंस में, मतलब उनमें स्पाइंस प्रेजेंट हैं, लीव प्रेजेंट नहीं है. एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटन स्टेम. और जो फोटोसिंथेटिक फंक्शन है वो कौन करता है, वो स्टेम्स करती हैं. तो ये डेजर्ट प्लांट का या फिर ऐसे प्लांट्स का एडप्टेशन है, बेटर सर्वाइव करने की टेक्निक है जो डेजर्ट में रह रहे हैं या जहाँ पर पानी कम है. अब देखो, जो भी मैमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में जो रहते हैं, उनके ईयर्स छोटे होते हैं और उनके लिम्स भी छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस मिनिमम हो. इसको बोलते हैं एलेंस रूल. ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सर्फेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपको पता है हीट लॉस होता है. इसीलिए उन्होंने बोला है कि शॉर्ट ईयर्स होते हैं और लिम्स भी कम होते हैं, मतलब शॉर्ट होते हैं ताकि आपका हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो और कम से कम हो. पोलर सीज में जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे कि सील्स, उनकी बॉडी पे एक थिक लेयर होती है फैट की जिसको बोलते हैं ब्लबर. मतलब उनकी स्किन के नीचे ये फैट की लेयर है जो एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर, मतलब उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द बाहर जो भी आउटिंग ठंडा है एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट. तो वो एक इनकी एडप्टेशन है. एक हो गई आपके मैमल की एडप्टेशन, कुछ हो गई जो वहाँ पे आपके एक्वेटिक एनिमल्स या मैमल्स हैं. कमिंग टूवर्ड्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्रोसेस करते हैं एडप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल. मतलब अब क्या होता है, विच हेल्प देम टू और विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. इफ़ यू एवर हैड बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस जैसे कि रोहतांग पास या फिर मनाली जो काफ़ी ऊपर है माउंटेन्स में जाकर है,
इन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस. आप कभी नोट करोगे कि ऊपर जाके जहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, कभी आप गए हो तो वहाँ पे तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है. मतलब ऐसे जी मिचलाता है आपका, कई बार फेटिक होता है या फिर थकान या फिर वॉमिटिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है. ये क्यों होता है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है हाई एल्टीट्यूड में, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती. बट ग्रेजुअली यू गेट एक्सेलेरेटेड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस. कुछ टाइम बाद क्या होता है, बॉडी एडजस्ट करने लग जाती है और आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं है. ठीक है, अब उसने यही बोला, हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब आपकी बॉडी ने ये जो प्रॉब्लम थी कि पहले ऑक्सीजन की कमी हो रही थी या जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व करी. The body compensate low oxygen availability by increasing RBC production. Body ने जो low oxygen थी, जो मतलब मिल रही थी, उसका compensate कैसे किया कि body में RBC का production बढ़ा दिया और decrease कर दिया binding affinity of hemoglobin and by increasing breathing rate. तो आपका जो breathing rate था वो increase हो गया, RBC ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ. इस वजह से क्या हुआ, जो प्रॉब्लम हो रही थी ना वो अब नहीं हो रही. अब मतलब अब एल्टीट्यूड सिकनेस इतनी फील नहीं हो रही, धीरे धीरे बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि जो कुछ ट्राइब्स हैं जो वहाँ रह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड्स में हिमालय में, उनका जो आरबीसी काउंट है ना वो नॉर्मल जो लोग रहते हैं प्लेन्स उनसे ज़्यादा होता है. ये भी रीज़न सेम है, क्योंकि उनको लो ऑक्सीजन मिलती है तो वो उनका एक एडप्टेशन है वहाँ पर रहने का. ठीक है, उसके बाद है कुछ एनिमल्स हैं, द मेटाबॉलिक रिएक्शन हैज ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज. मतलब कि कुछ एनिमल्स की जो बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब एक टेम्परेचर रेंज में होता है. जैसे कि ह्यूमन्स के बेस्ट फंक्शन कब होगा, लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस पे. बट कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे कि आर्किबैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में ही पैदा होते हैं या वहीं मिलते हैं, और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. ठीक है, अब वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना वो उस चीज़ के लिए अडप्टेड है. उनको बोला ही थर्मल टाइप बैक्टीरिया बोला जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है, मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो. तो कुछ जो फिश हैं वो कम टेम्परेचर में भी रहती हैं, काफ़ी टेम्परेचर में रहती हैं, जहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर बिलो ज़ीरो होता है. एक्चुअली जो कोल्ड में रहते हैं ना उनका ये होता है कि उनकी बॉडी के अंदर ना एक्स्ट्रा सॉल्यूट प्रोड्यूस होते हैं या फिर ऐसे स्पेशल आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में. ठीक है, ये डिटेल में इसमें नहीं दे रखा बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या करता है एंटी फ्रीज प्रोटीन होते हैं तो जल्दी से ना वो फ्रीज नहीं होते, तो दैट इज़ वन ऑफ द एडप्टेशन जो वो यूज़ करते हैं. उसके बाद है यहाँ तो हो गया, अ लार्ज वेराइटी ऑफ मरीन इंटरवर्ट्स एंड फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन. इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ. हाँ, तो लार्ज वेराइटी ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश जो ग्रेट डेप्थ में रहते हैं जहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इनफैक्ट 100 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो कैसे इस तरह के इन्वायरमेंट पे रहते हैं. ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंट शो फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन. उनकी बॉडी में इस तरह से मतलब प्रोसेसेस होते हैं या वो उनकी बॉडी काफ़ी बेटर तरीके से बायोकेमिकली अडेप्टेड होती है तो उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं टू कोप अप विद अ वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट. मतलब कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं या बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हैं वो उनको एनवायरनमेंट में डील करने में हेल्प करते हैं. अगर बात करूँ बिहेवियर रिस्पॉन्सेज की, फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट लिजार्ड है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है मैमल्स की तरह की, मतलब कि ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ऐसी चीज़ जिससे वो सर्वाइव कर सकें, तो कैसे वो हाई टेम्परेचर से डील करते हैं. अब उसमें आ जाएगा वर्ड बिहेवियरल मीन्स, मतलब क्या है कि अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करना. कैसे, अगर ठंड है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या ठंड है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप हुई तो वो ठंड में यानी शेडी एरिया में मूव कर जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड हुई क्योंकि जो सैंड होती है ना उस वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है, इसलिए डेजर्ट में क्या होता है दिन में काफ़ी गर्मी होती है रात को काफ़ी ठंड होती है. तो यही चीज़ है कि जो दिन में क्या करा उन्होंने, दिन में तो वो छुप गए धूप में, ठीक है, सॉरी अगर धूप है तो वो छाया में छुप गए, बट अगर छाया
नहीं है और अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो धूप में छिप जाते हैं. तो ये है बिहेवियर मीन जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाते हैं. ठीक है, दे बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कम्फर्ट जोन. और उसके बाद सेम लिखा है बट मूव इन टू अ शेड व्हेन द एम्बियंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग. सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बरोइंग इन टू द सॉयल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट. कुछ स्पीसीज क्या करती हैं, अपने आप को सैंड के नीचे छुपा लेती हैं ताकि जो भी हीट है उससे वो अपने आप को बचा सके. अगर ये चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और इसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक नीचे दे रखा है. थैंक यू.